इंतजार की घड़ी हो गई है खत्म। भोजपुरी की सबसे बड़ी फिल्म के बारे में सबसे बड़ा अपडेट लेकर आए हैं हम। दिल थाम कर या भीख मांग कर, फर्स्ट डे फर्स्ट शो का सबसे पहला टिकट वही कटाएगा जिसके पर्स में होगा दम। तकाल है, ठीक है। रंग दे बसंती, इस फिल्म के बारे में बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि फिल्म कब रिलीज होगी। हालांकि पहले एक डेट बताया जा चुका था, लेकिन उस डेट तक सेंसर क्लियर नहीं हुआ था इस फिल्म का, इसीलिए डेट चेंज करना पड़ा। बैकग्राउंड में इस फिल्म के साथ बहुत कुछ हुआ, सेंसर बोर्ड के साथ कोर्ट तक जाना पड़ा, क्या क्या हुआ हमें इतनी जानकारी है नहीं। हम बस आज आपको ये बताने वाले हैं कि ये फिल्म कब रिलीज होगी। हालांकि इस फिल्म के अलावा भोजपुरी की और भी बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हैं जिनके रिलीज डेट के बारे में पब्लिक जानना चाहती है। अक्सर मेरे वीडियो के कमेंट में पूछे जाते हैं, बट जब मुझे ही कुछ पता नहीं होता तो मैं आपको क्या बताऊं। बट जब भी हमें पता चलता है कि हाँ कब क्या होने वाला है तो हम आपको जरूर बताते हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भोजपुरी के बहुत सारे स्टारों की बहुत सारी फिल्में बन करके रेडी हैं। पवन सिंह की फिल्म जियो मेरी जान है, लाखन सिंह है, ये दोनों फिल्में रेडी हैं, बट अभी तक इन दोनों फिल्मों के बारे में कोई अपडेट नहीं है। हाँ, जियो मेरी जान का एक पोस्टर रिलीज किया जा चुका है, टीजर कब आएगा, ट्रेलर कब आएगा और पूरी फिल्म कब आएगी कोई अता पता नहीं है। खेसारी लाल यादव की बात करें तो रंग दे बसंती की खूब चर्चा है और अब उसकी रिलीज डेट भी आ गई है, बताएंगे। बट इस फिल्म के अलावा भी उनकी कई सारी फिल्में बनके रेडी हैं, लाइक गॉडफादर, राजा राम और अंदर खाने, और भी कई सारी उनकी फिल्में हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। बट हाँ, फिल्में हैं, कुछ फ्लोर पर है, कुछ कंप्लीट होने की कगार पे हैं। लेकिन जो फिल्में कंप्लीट हो गई हैं, गॉडफादर और राजा राम, इन फिल्मों का भी अभी तक कोई अपडेट नहीं है। प्रदीप पांडे चिंटू की एक फिल्म का टीजर आया था आज के कुछ 7-8 महीने पहले, वन मैन आर्मी, टीजर बढ़िया था। टीजर के हिसाब से अगर इस फिल्म को आंका जाए तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी फिल्म होगी, बट उसका भी कोई अपडेट नहीं है। अरविंद अकेला कल्लू की भी अगर बात करें तो उनकी भी कई सारी फिल्में हैं जिसके बारे में बात करना मना है, पता नहीं सिनेमा हॉल में जाना अलाउड रहेगा या फिर वहां भी मना रहेगा, तो हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते। बट हाँ, इतना है कि फिल्में रेडी हैं। फिल्म रिलीज करने का जो माहौल होता है, उन माहौल में ईद भी एक बढ़िया माहौल है। ईद पर अक्सर हर इंडस्ट्री से बड़ी बड़ी फिल्में आती हैं और मोटी कमाई करती हैं। अगर इस ईद की भी बात करें तो बड़े मियां छोटे मियां एक बड़ी फिल्म है, वो रिलीज होने वाली है ईद के दिन ही। बट इस साल हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो इस अवसर का कोई भी लाभ उठाती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि होना चाहिए था, इतनी सारी फिल्में बन के रेडी हैं, एक फिल्म तो कम से कम आनी चाहिए थी। खैर, तो हम आते हैं मुद्दे पर। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि भोजपुरी की आज तक की सबसे बिग बजट फिल्म खेसारी लाल यादव स्टारर रंग दे बसंती कब रिलीज होगी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो ये जो फिल्म है, ये फिल्म 7 जून को रिलीज होगी, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं रोशन सिंह, उन्होंने खुद ही कहा है कि ये फिल्म 7 जून को रिलीज होगी। एक मीडिया चैनल पर वो इंटरव्यू दे रहे थे, इस चैनल का नाम है एंटरटेनमेंट लाइव, इस चैनल के साथ इंटरव्यू कर रहे थे और इसी इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि फिल्म 7 जून को रिलीज होगी। हमने सोचा कि 7 जून को रिलीज की प्लानिंग हम कर रहे हैं। हालांकि ये बोलते वक्त वो भी थोड़े से असमंजस वाली स्थिति में थे, उनके चेहरे का भाव बता रहा था कि वो थोड़े असमंजस में हैं। वो भी अभी एकदम क्लियर कंफर्म नहीं है कि फिल्म 7 जून को ही रिलीज होगी। सारी क्लियरेंस आ चुकी है, अब किसी तरह का कोई अड़ंगा नहीं बचा। बट यू नो, एक चीज और बोलना चाहूंगा सेंसर बोर्ड पे, तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या फिल्म 7 जून को ही रिलीज होगी या फिर कोई और डेट चूज किया जाएगा। बट ये कंफर्म है कि फिल्म जून में ही रिलीज होगी, क्योंकि अगर ये फिल्म जून के स्टार्टिंग में रिलीज नहीं होती है तो शायद इस फिल्म को 2-3 महीने और रोकना पड़ जाए, क्योंकि जून के आधे महीने के बाद से ही बारिश शुरू हो जाएगी और बारिश के मौसम में गांव से सिनेमा हॉल तक जाना थोड़ा टफ होगा, तो शायद कुछ लोग ना जाएं।
तो इससे फिल्म को घाटा उठाना पड़ सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये लोग कोशिश करेंगे कि शुरुआती जून में ही इस फिल्म को रिलीज कर दिया जाए। और शुरुआती जून में ये फिल्म रिलीज करने का एक और भी कारण होगा, क्योंकि अगर ज्यादा रुकेंगे तो फिर अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 रिलीज हो जाएगी, तो और बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ठीक है, हालांकि रंग दे बसंती फिल्म देशभक्ति है तो उसके लिए अगस्त का महीना ही बेस्ट होता, बट अगस्त में रिलीज हो जाएगी अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 और फिर उसके सामने टिक पाना बहुत मुश्किल होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि आगे कुआं पीछे खाई, मन करत है बीचवे में रह जाएं, तो बीचवे में रहे पड़ी, जून ही इस फिल्म के लिए बढ़िया समय होगा। बाकी आप लोग अपनी राय भी कमेंट में लिख सकते हैं कि किस वक्त ये फिल्म रिलीज किया जाए तो अच्छा होगा। हमारी वीडियो फिल्म के स्टार, फिल्म के मेकर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सभी देखते हैं, तो जब वीडियो देखते हैं तो कमेंट भी देखते ही होंगे कि पब्लिक क्या कह रही है, तो कमेंट करो, वो लोग देखेंगे कि आप फिल्म कब देखना चाहते हैं, तो शायद आपके हिसाब से वो लोग मन बनाएं कि फिल्म कब रिलीज किया जाए। बाकी अगर कोई बातचीत करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आओ मैसेज करो। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा, अभी आप लाइक किए नहीं हो लगता है, करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।